पंजाब के किसान और हम एक किसानी सूबा हैं, हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है, जो आड़तिया है, जो व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर हैं। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। जे ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया, और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों, मैंने कल अपने साउथ इंडियन एमपी से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जे उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है, भाई किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, दो बारी भड़काया, लेकिन लगातार जो दो दो महीने सड़कों पर बैठा है, फिर उसके मन में डर है। ये पार्टी के फैसले होते हैं, मेरे फैसले नहीं है, ये पार्टी बैठेगी और इसका फैसला भविष्य का करेगी। देखिए, जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती, तब तक तो आगे कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है।